कि आपके शॉकर्स की जो ऑयल सील होती है वो कैसे बचेगी, हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस एक और नई वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी प्यारी सी अच्छी सी बाइक को केयर करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि क्या होता है देखो, बहुत से लोगों के पास बाइक्स होती हैं, स्कूटर्स भी होते हैं, उसके लिए भी है ये। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपके पास बाइक है आप चलाते हो तो शॉकर्स आपने सुना ही होगा, चाहे वो इन्वर्टेड हो या फिर नॉर्मल शॉकर्स हो। तो क्या होता है आप लोग ध्यान नहीं देते हैं आपकी बाइक का सस्पेंशन, जो सबसे ज्यादा मेन चीज होती है। जी हाँ सस्पेंशन, जो कि आपके फ्रंट शॉकर्स होते हैं और उनको केयर की भी जरूरत होती है, ऐसा शायद आपको पता हो या ना पता हो। अगर ना पता है तो उस वीडियो को देख लेना पूरा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर पता है तो यार दोस्तों बहुत अच्छी बात है, अगर आप बाइक का केयर करते हो या उससे प्यार करते हो। देखो बाइक्स भी केयर मांगती हैं, जैसे एक इंसान होता है वैसे ही बाइक को जरूरत पड़ती है। तो बाइक को भी ट्रीट करो एज अ ह्यूमन, क्योंकि यार देखो आपकी बहुत प्यारी बाइक होती है, बड़ी स्वीट बाइक होती है। और कुछ भी कहें यार, मतलब बाइक से प्यार होना जरूरी है। और थोड़ा उनके बारे में सोचो जो यार बहुत मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि वो भी एक अच्छी बाइक खरीदे, उनके पास नहीं हो पाती है, वो भी बड़ा हार्डवर्क कर रहे हैं और वो भी एक ना एक दिन अर्न कर लेते हैं, लेकिन आपके पास है तो आप केयर करो। तो जो चीज मैं बता रहा हूँ वीडियो को आगे तक देखना, जिससे आपको पता लगे कि आपके शॉकर्स की जो ऑयल सील होती है वो कैसे बचेगी कैसे नहीं बचेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको समझ में आ जाएगा आपके शॉकर्स की ऑयल सील ब्रेक होने से कैसे बचती है। तो चलो मिलते हैं आगे वीडियो के अंदर, चलिए कराते हैं आपको चेक कहाँ होती है ऑयल सील और कैसे उसको बचाना होता है उसको ब्रेक होने से। तो गाइज ये है हमारी KTM RC125 और ये है हमारा फ्रंट का सस्पेंशन या हम कहें शॉकर। और इसकी ऑयल सील को बचाने के लिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से जो है बिल्कुल बिल्कुल पकड़ बना के रहती है अच्छे से। और ब्रेक होने से बचाने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपके शॉकर्स होते हैं तो आप जैसे राइड करते हैं और वो गंदे हो जाते हैं, तो उसको ब्रेक होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं तो बाइक खड़ी, तो फिलहाल अभी मैंने जब वॉश करी थी लास्ट टाइम तो थोड़े बहुत उसके निशान पड़े हुए हैं जो कि मैंने यहाँ तक कपड़े से साफ नहीं कर पाया था, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना अभी के लिए। और अब जैसे ये हमारा शॉकर है, शॉकर रॉड है, तो इसको जो है ना टाइम टू टाइम क्लीन करते रहोगे, सही से क्लीन करके रखोगे तो आपकी ऑयल सील जो है ब्रेक होने से बचती है। तो यही टिप है जिससे आप अपनी ऑयल सील को बचा सकते हो ब्रेक होने से। और दोनों साइड के आप अपनी सस्पेंशन को साफ करें, रॉड को साफ करें। यहाँ पे देखो मार्क बना हुआ है, यानी अभी तक यहाँ तक शॉकर नीचे आए हैं, तो आप हर टाइम हर वक्त इसे साफ करते रहेंगे तो आपकी ऑयल सील नहीं टूटेगी। तो दोस्तों यही थी आपके लिए वीडियो, तो इस पर ध्यान देना। बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि बहुत कॉमन सी चीज है, उनको फर्क नहीं पड़ता, तो आप ध्यान दो, वैसे जो आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं आगे बात। तो दोस्तों ये था कुछ तरीका आपके शॉकर्स की ऑयल सील बचाने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो वीडियो को करते हैं लाइक, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। अगर नए हो तो और भी वीडियोस पाने के लिए कमेंट करो, आपको किसी चीज पे बनवानी हो उसके लिए और मुझसे कुछ चाहिए तो उसके लिए। बाकी तो तुम्हारा भाई वीडियो बनाता ही जा रहा है और रुक नहीं रहे हैं, और चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते हो करना, और वीडियो को तो यार जरूर शेयर, बाइकर्स फ्रेंड है जो भी है उनको करो शेयर, या नॉर्मल पर्सन भी है मतलब जिनपे स्प्लेंडर है या जुपिटर है, जिनपे ऐसे वाले शॉकर्स हैं बाइक के चाहे वो इन्वर्टेड ना हो, तो उनको भी दो ये सलाह जिनसे उनके शॉकर हमेशा सही चलते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ध्यान रखना इस चीज़ का, और बहुत जल्द 370 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, देखो उसमें पता लगेगा आपको मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा था KTM दिलाने के लिए, उसके अंदर क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। तो चलो वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज, तो कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, ठीक है। चलता हूँ मैं, करता हूँ ऑफ।